नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम डिजिटल क्लासरूम में। मेरा नाम है रोहित। ये सेशन स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर के एक जॉब रोल ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन के लिए बनाया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। इसलिए आज हम बात करेंगे लेजर डायोड और उसके ऑपरेशंस के बारे में। तो लेजर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है, क्या ये वही लेजर हैं जो छोटे छोटे बच्चे मेलों में खरीद कर पॉइंटर से एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करते रहते हैं, दूर से निशान लगाते रहते हैं पॉइंटर्स का यूज करके, या फिर ये वो लेजर है जो किसी गन के आगे लगा होता है, जब टेररिस्ट को कोई सोल्जर मारता है तो उसके आगे वो लेजर लगा होता है। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये वही लेजर है, ये वही लेजर बीम है। इसका यूज हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल में लाइट सोर्स के रूप में होता है। हाँ, आप सभी को पता होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो लेजर बीम जो है एक कोहेरेंट लाइट बीम जो है क्रिएट करती है, जिसकी मदद से डेटा जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। मैं आपको एक छोटे से वीडियो से ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ। देखिए, कुछ इस तरह से लेजर बीम का यूज करके डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल में से ट्रांसफर किया जाता है। ये एक सैंपल वीडियो है, एक प्लास्टिक पाइप के अंदर से जो है ये लेजर बीम को फ्लो करके बता रहे हैं, कुछ इस तरह से। जी बिल्कुल, कुछ इस तरह से जो है डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं लेजर डायोड और उसके ऑपरेशंस को एक बार जरा ढंग से। सबसे पहले लेजर डायोड का नाम सुनते ही दिमाग में आ रहा है कि लेजर डायोड क्या है, वही लेजर है। हाँ, वो उसका आउटर शेल होता है, उसके अंदर जो डायोड, जो इक्विपमेंट उसके अंदर लगा होता है, जो लेजर बीम प्रोड्यूस करता है, वो इक्विपमेंट आपकी स्क्रीन के सामने है। ये और ये विद वायर्स, ये है लेजर डायोड, ठीक है। इसके बाद लेजर डायोड क्या करता है, लेजर बीम जो है वो क्रिएट करता है। देखिए, इस इमेज में बड़ा ही क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे जो है लेजर डायोड लेजर बीम प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ देखिए, ये सोल्जर के पास जो गन लगी है उसके ऊपर भी एक लेजर पॉइंटर लगा है, ताकि अपने एम को सिलेक्ट कर सके और उसको हिट कर सके। राइट साइड में इमेजेस में जो भी लेजर्स दिए हैं, ये वही लेजर्स हैं जो बड़े इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जिनके अंदर लेजर डायोड होता है जो लेजर बीम क्रिएट करता है। तो लगभग आपको थोड़ा थोड़ा ये वीडियो जो है वो रिलेट हो रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेट हो रहा होगा कि हाँ, ये तो वही लेज़र है जो नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, और ये भी शायद वही लेज़र होगा जो ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज़ होता है। तो हम इस वीडियो में आज इसी की वर्किंग और इसके ऑपरेशंस को समझेंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल में कैसे यूज़ होता है। देखिए, उस लेज़र पॉइंटर के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वो केबल्स निकले हैं और साथ में ये कुछ चिप लगी है, कोई बोर्ड लगाया है, और उसके साथ जो है अंदर लेज़र डायोड है जो कि एक लाइट बीम प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, L स्टैंड्स फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर स्टिम्युलेटेड, E फॉर एमिशन, R फॉर रेडिएशन। इसे कम्प्लीटली कैसे पढ़ा जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसे एक साथ ऐसे पढ़ा जाता है। सपोज अगर आपसे कोई लेज़र की फुल फॉर्म पूछता है तो आप उसको बोल सकते हैं, इट इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। इसके बाद लेज़र डायोड की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेज़र डायोड को इंजेक्शन लेज़र भी बोलते हैं या डायोड लेज़र भी बोलते हैं, ठीक है जी। लेज़र डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर आपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा होगा। डायोड क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ, पहले इसे समझ लेते हैं हम। लेज़र डायोड को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लेज़र भी बोलते हैं, डायोड लेज़र भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कोहेरेंट रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करता है, या फिर वो विजिबल लाइट की फॉर्म में हो सकता है या इंफ्रारेड की फॉर्म में हो सकता है, जब इसमें से करंट पास किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये कोहेरेंट रेडिएशन कैसी रेडिएशन है, तो इस इमेज से जरा कोहेरेंट लाइट को और इनकोहेरेंट लाइट को समझें। कोहेरेंट लाइट में फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वेव का, वो बराबर होता है, सेम होता है। आप देख सकते हैं कोहेरेंट लाइट में जो है वो लाइट सेम बराबर है, बिल्कुल सेम पैटर्न में जो है वो जा रही है। और इनकोहेरेंट लाइट में क्या हो रहा है, देखो ये कुछ डिस्टर्ब जैसी लग रही है, यानी यहाँ फेज कुछ डिस्टर्बेंस है, फ्रीक्वेंसी में भी सेम है या नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। और जो लेज़र बीम है उसमें कोहेरेंट सोर्स है,
एलईडी लाइट में क्या हो रहा है, इनकोहेरेंट लाइट जो है वो पास हो रही है। मुझे उम्मीद है आपको कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट जो है समझ में आया होगा। अब दूसरी बात मैंने यहाँ पे आपसे कही कि डायोड का मतलब क्या है। देखिए डायोड टर्म में सबसे पहले लगा है डायोड, डाई डाई यानी आपने सुना होगा सिंगल डाई ट्राई ऑक्टा पेंटा, है ना, ये सारी चीज़ें जो है टर्म्स है। डाई का मतलब दो, यानी डायोड के अंदर दो लेयर्स होती हैं। डायोड के अंदर बेसिकली दो लेयर्स होती हैं। डाई का मतलब दो, यानी दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर। वो हम आगे एक वीडियो में समझेंगे कि कैसे डिवाइसेस होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डायोड स्टैंड फॉर, जिसमें दो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर सैंडविच की हुई, ठीक है। उसके अंदर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड उसके अंदर डाला होता है जो कि जिसमें जैसे ही करंट पास करते हैं वो उस हिसाब से बिहेव करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप बोलेंगे ये जो बोल रहे हैं ये पता नहीं कैसा डिवाइस होगा क्या, तो आप देख सकते हैं आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, घर में किसी पुराने एफएम में, टेलीविज़न में ऐसा कोई डिवाइस देखा होगा, पक्का देखा होगा, ब्लैक कलर का ऐसा डिवाइस लगा, इसी डिवाइस को डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर फिल किए होते हैं, और वो सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ये कुछ उस हिसाब से बिहेव करते हैं जिस हिसाब से ये बनाए गए होते हैं, जिस काम के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है जी। तो अब इसके आगे चलो बढ़ते हैं, हम पहुंचे थे इसकी डेफिनेशन पे। इसके बाद हमने कोहेरेंट और इनकोहेरेंट को पढ़ लिया था। अब देख सकते हैं आप कोहेरेंट लाइट ले एलईडी वर्सेस लेज़र, ये लेज़र बीम है, इसमें देख सकते हैं आप कितना कोहेरेंट है। तो आइए अब डायोड के ऑपरेशन को समझने के लिए देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो। तो दोस्तों ये है लेज़र डायोड का आउटर शेल, पॉइंटर लेज़र डायोड, और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सेक्शंस प्रेजेंट हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन को जो सबसे आगे फ्रंट में लगा होता है, जहाँ से लेज़र बीम इवैक्यूएट होती है, जहाँ से लेज़र बीम बाहर निकलती है, उस वाले पोर्शन को कॉलिमेटिंग लेंस हाउसिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए लेज़र डायोड, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं लेज़र डायोड के बारे में। ये उसका आउटर शेल है और आउटर बॉडी है, और ये इसके अंदर का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेज़र डायोड ये देखिए, यहाँ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज लेज़र डायोड। हम इसको थोड़ा जूम करके फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ब्लैक कलर का ये जो बॉक्स लगा हुआ है, इसे कहते हैं फोटो डायोड। इसकी वर्किंग, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज स्विच, बैटरी कनेक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, करंट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा हुआ है जिसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है करंट जो है थ्रू बैटरीज जो है यहाँ सप्लाई किया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आपको जरा इसे जूम करके हम समझाते हैं लेजर डायोड की वर्किंग क्या है और लेजर डायोड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं लेजर डायोड के पास, और देखिए ये लेजर डायोड, हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हमने हटा दिए हैं, एक बॉक्स जैसा आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। इस बॉक्स में एक्चुअली है क्या, अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था डायोड, डायोड के बारे में मैं आपको बता रहा था, डाई स्टैंड फॉर टू, डायोड का मतलब है दो, यानी इसके अंदर दो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सैंडविच होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये दो पोर्शंस हैं जिसे बीच में एक पोर्शन से, एक एक लाइन से आप कह सकते हैं सेपरेट किया हुआ है। तो एक लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायोड, ठीक है जी। अब ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सेमीकंडक्टर्स दैट वुड लाइक टू गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर रेफर्ड टू एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, जो सेमीकंडक्टर्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या खाली जगह जिनको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, उन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ठीक वैसे तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो हमने बना दी है पी टाइप सेमीकंडक्टर से, फिल कर दिया गया इस लेयर को। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा कंपाउंड हमने ऐड किया है,
वही निचली तरफ जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंपाउंड ऐड किया जाता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड एंड सेलेनियम। इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज कर सकता है, ठीक है। इसकी वर्किंग को जरा ध्यान से समझना। जिस मटेरियल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो नीचे वाली लेयर हमारी बन गई वो हो गई एन टाइप। तो बिल्कुल सिंपल है। डायोड मींस डायोड इज सैंडविच्ड इन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ऊपर वाली लेयर जो है पी टाइप है, नीचे वाली लेयर एन टाइप है, इसीलिए इसको पी एन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। पी एन जंक्शन डायोड, पी का मतलब मैंने आपको बताया, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसका मतलब दे आर होल्स, होल्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। और जो एन टाइप होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। अब इनको बनाया कैसे जाता है? ऊपर वाले में कंपाउंड ऐड किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड यूज किया जाता है इसका मतलब उसमें होल्स प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वहीं बॉटम में एन टाइप में गैलियम आर्सेनाइड के साथ सेलेनियम नाम का कंपाउंड भी ऐड किया जाता है। इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और वो उसको लूज करना चाहता है। तो अब देखिए नीचे वाली लेयर में जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ऊपर वाली लेयर में होल्स प्रेजेंट होंगे, तो अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ये अट्रैक्ट होंगे तो इनको इनके कॉम्बिनेशन के लिए कहाँ पे कोलाइड करेंगे, कहाँ पे कंबाइन करेंगे, वो ये जंक्शन कहलाता है, ठीक है जी। जहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो पोर्शन जंक्शन कहलाता है। इस पोर्शन को पी एल जंक्शन बोलते हैं। इस लेयर को जो बीच में मिड में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन, ठीक है जी। मेरे आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये लेयर देखिए यहाँ पे मार्क भी कर दिया गया है। अब जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होल्स की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हुआ क्या, होल्स ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे और ये कंबाइन कहाँ पे होंगे आके, जी जो बीच वाली लेयर है वहां पे आके ये कंबाइन हो जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है जी। कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? जंक्शन पे, ओके। इसके बाद जैसे ही दोनों पी टाइप और एन टाइप में जो भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जब वो जंक्शन पे कोलाइड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। स्ट्राइक करने से क्या होगा? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, जब एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब लाइट रिलीज होती है, और जब भी हम लाइट यानी विजिबल लाइट की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसके अंदर फोटोन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटोन्स। तो जैसे ही लाइट एमिट होगी, एनर्जी इसकी एमिट होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वैसे ही एक सिंगल फोटोन ऑफ लाइट भी रिलीज होगा। अब वो सिंगल फोटोन ऑफ लाइट को हम जो है यहाँ पे रेड कलर से मार्क करके आपको बताएंगे। ये देखिए ये सपोज ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करने से फोटोन प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा जी? अब जंक्शन का जो मटेरियल है, जंक्शन की जो वॉल्स हैं वो एक मिरर टाइप मटेरियल से बनी हुई है, मिरर सरफेस से बनी हुई है, ताकि वो फोटोन इसके अंदर ही रह जाए, गुम ना हो जाए, इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए उसको कैप्चर करके रखते हैं उस मिरर सरफेस के अंदर, ठीक है। वो स्ट्राइक करेगा मिरर टॉप और बॉटम से और उसके बीच में ही घूमता रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जब तक वहां पे घूमता रहेगा ये बाकी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को भी एनकरेज करेगा कि और ज्यादा फोटोन ऑफ लाइट को रिलीज करें। ये वाइब्रेट करता रहेगा, घूमता रहेगा अंदर, तो क्या होगा, बाकी जो फोटोन्स भी रिलीज होंगे वो भी सेम पोलराइजेशन के साथ सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे। अभी आगे आपको इसमें पता चलेगा कैसे फ्लो करेंगे। देखना, एक सिंगल फोटोन अंदर उसमें ट्रैप हो गया, एक से दो बनेंगे, दो और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एनकरेज करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ज्यादा से ज्यादा फोटोन्स जो है उस जंक्शन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जब फोटोन्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे जंक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं एक रेड कलर की लाइट जो है पूरे जंक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। फोटोन कब रिलीज होता है? जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एमिट होती है यानी विजिबल लाइट एमिट होती है।
तो ये फोटॉन्स तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक पूरे जंक्शन के अंदर रेड कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस ना हो जाए, जब तक फुल ऑफ लाइट ना हो जाए ये। ठीक है, आप देख सकते हैं जंक्शन के अंदर रेड लाइट आ चुकी है। और वापिस चलते हैं उसी डायोड की तरफ। इसका अब देख सकते हैं हम यहाँ क्या हो रहा है, ये वो हमारा बॉक्स जो है ये था हमारा लेजर डायोड। इसके अंदर क्या हुआ, पी और एन जंक्शन के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए और जंक्शन पे आके मिले, फोटोन रिलीज हुआ। और फोटोन रिलीज के होने के बाद एक फोटोन ने और फोटोन्स को भी रिलीज मतलब होने में हेल्प की, और इतने सारे फोटोन्स रिलीज हो गए कि एक लेजर वहां पे क्या रेड कलर की लाइट जो है विजिबल लाइट क्रिएट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट इस तरफ है लेकिन ये लाइट बैक साइड को निकल रही है। ठीक है, अब बैक साइड को लाइट निकल रही है और इस ब्लैक बॉक्स में पड़ रही है। इस बॉक्स को बोलते हैं फोटो डायोड, इस बॉक्स को कहते हैं फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड का क्या काम है, यहाँ पे फोटो डायोड के ऊपर जैसे ही ये लेजर लाइट, जैसे ही ये लाइट बीम पड़ रही है, ये क्या करेगा, इसको और ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई करेगा ताकि बीम स्ट्रांग बन सके और ज्यादा फोटॉन्स रिलीज हो सके और लेजर लाइट प्रोड्यूस हो सके कॉन्टिन्यूअसली, लगातार वोल्टेज की सप्लाई इसको देगा जैसे ही इसके ऊपर ये लाइट पड़ेगी। इसके बाद का ऑपरेशन आप देखिए, ये देखिए जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ी, इसने इंफॉर्मेशन कैप्चर की और उसके बाद जो है ज्यादा वोल्टेज सप्लाई किया इसको, कंटिन्यूअस रेगुलर वोल्टेज सप्लाई किया और ये आगे को जो है हमारी विजिबल लाइट फ्रंट की तरफ ये प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइट यहाँ से एक सिंगल बीम थी, लेकिन यहाँ खुलते 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 ये ब्रॉड होती जा रही है। इसका मतलब ये लेजर बीम नहीं है, ये कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं है। तो इसे कोहेरेंट बनाने के लिए अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो इस लाइट को इकट्ठा करके एक कोहेरेंट यानी एक स्ट्रेट बीम के फॉर्म में, जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम हो और उस फॉर्म में वो क्रिएट कर सके। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक कॉलिबेटिंग लेंस। एक लेंस जो है वो क्या करेगा, इस डिफ्रेक्टेड लाइट को इकट्ठी करेगा और उसको एक स्ट्रेट लेजर बीम के रूप में जो है आगे पास करवाने में हमारी हेल्प करेगा। देखिए जरा ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को, ये देखिए ये लगा कॉलिमेटिंग लेंस, ये क्या करेगा, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को इकट्ठी करेगा और लेजर बीम प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा और लेजर बीम आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी इन अ कोहेरेंट लाइट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में पड़ा था, व्हाट इज लेजर डायोड, वट इज लेजर एंड हाउ लेजर वर्क्स। इस सेशन में हम पढ़ेंगे वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर डायोड्स एंड वट आर द एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लेजर डायोड्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, मैं आपका दोस्त रोहित, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे वट आर द टाइप्स ऑफ लेजर डायोड्स। देखिए दोस्तों, जितने भी लेजर डायोड्स होते हैं बेसिकली सबका प्रिंसिपल और उनकी वर्किंग सिमिलर है। एक्सटर्नल शेप भी डायोड्स की जो है वो लगभग सिमिलर ही होती है, लेकिन जो उनका उनके बीच में बेसिक डिफरेंस होता है वो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेजर डायोड के फर्स्ट टाइप के बारे में जो है डबल हेट्रोस्ट्रक्चर लेजर डायोड। सबसे पहले हम जानते हैं कि हेट्रोस्ट्रक्चर होता क्या है। हेट्रोस्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंसिस्ट मोर देन वन मटेरियल कंबाइंड इन अ डिवाइसेस। इस बात से सीधा सीधा हमें पता चलता है कि हेट्रोस्ट्रक्चर हम किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस को तब बोलते हैं जब उसमें एक से ज्यादा मटेरियल ऐड किया होता है। अभी हम जानेंगे कि डबल हेट्रोस्ट्रक्चर में कैसे एक से ज्यादा मटेरियल को ऐड किया जाता है। हम जानते हैं कि लेजर डायोड में जो है वो गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिएक्शन करवाने के लिए। जी हाँ, तो हेट्रोस्ट्रक्चर जो है बेसिकली एक से ज्यादा, बेसिकली तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है होमोस्ट्रक्चर, एक होता है सिंगल हेट्रोस्ट्रक्चर, एक होता है डबल हेट्रोस्ट्रक्चर। हमें पढ़ना है डबल हेट्रोस्ट्रक्चर के बारे में। तो डबल हेट्रोस्ट्रक्चर यानी दो, डबल हेट्रोस्ट्रक्चर यानी DH लेजर भी से क्या कहा जा सकता है। इसका जो एक्टिव रीजन होता है, इसके अंदर जो थिन लेयर होती है उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रांग जो है लेजर भी मिलती है, ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन ज्यादा मिलता है। आइए जानते हैं डबल हेट्रोस्ट्रक्चर क्या होता है। डबल हेट्रोस्ट्रक्चर के अंदर दो जंक्शन क्रिएट किए जाते थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे दो जंक्शन क्रिएट हुए हैं और N और P टाइप में लेफ्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं
एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया गया है, जो कि एक डिफरेंट मटेरियल है, इसीलिए इसे हेट्रोस्ट्रक्चर कहा जाता है। और डबल इसलिए ये हो गया क्योंकि दोनों साइड इसका यूज किया गया और दो जंक्शन इसमें क्रिएट हो रहे हैं। अब जानते हैं इनमें बेसिकली होता क्या है। जो बीच में जो हमारा गैलियम आर्सेनाइड प्रेजेंट है, वो उसमें का क्या है, लो बैंड गैप होता है उसका। लोअर बैंड गैप, जिन भी मटेरियल्स का लोअर बैंड गैप होता है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो कंडक्टिविटी है वो स्ट्रांग होती है, और जिनका बैंड गैप हाई होता है उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी उनके मुकाबले में कम होती है। हमारा नेक्स्ट लेजर डायोड जो है वो है क्वांटम वेल लेजर डायोड। क्वांटम वेल लेजर डायोड के बीच में एक बहुत ही थिन मिडल लेयर होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक थिन मिडल लेयर होती है। इस मिडल लेयर को क्वांटम वेल बोलते हैं। अब वेल का मतलब कुआं भी होता है, जी हाँ, ये एक हिसाब से कुएं का ही काम करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्वांटम वेल। अब ये क्वांटम वेल क्या हेल्प करता है, इस लेजर डायोड के अंदर क्या काम करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांसफर करते हैं, यानी आपको पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में ये पढ़ाया गया था, पीएन जंक्शन के अंदर कैसे जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपस में रिएक्ट करते हैं जंक्शन पे, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो जो क्वांटम वेल है वहां से उन्हें क्वांटम एनर्जी जो है वो मिलती है, जिसकी वजह से उनके अंदर का रिएक्शन थोड़ा और स्ट्रांग होता है और ज्यादा एफिशिएंट बीम जो है वो प्रोड्यूस करने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट कन्फाइनमेंट हेट्रोस्ट्रक्चर लेजर डायोड। इसके अंदर हमने पिछले लेजर डायोड के अंदर हमने पढ़ा कि उसके अंदर एक थिन मिडल लेयर होती है, जिस उस एक जो थिन मिडल लेयर है उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट एमिट होती है उसको कन्फाइन करना या उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस वजह से उस बात को कॉम्पनसेट करने के लिए इसमें हमने सेपरेट कन्फाइनमेंट हेट्रोस्ट्रक्चर लेजर डायोड का इस्तेमाल किया। अब इसमें किया क्या है, पहले हम तीन लेयर्स जो है सेमीकंडक्टर्स की यूज कर रहे थे, तीन लेयर्स जो है हम यूज कर रहे थे बेसिकली। यहाँ पे उनके अलावा दो और लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेपरेट कन्फाइनमेंट हेट्रोस्ट्रक्चर लेजर डायोड। इन लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो लाइट है, जो एमिटेड लाइट है, उसको कन्फाइन करने में यानी रोकने में, इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट इज वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर डायोड, यानी VCSEL। हमने जितने भी लेजर डायोड पहले डिस्कस किए हैं उनके मुकाबले में इसके अंदर जो ऑप्टिकल कैविटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सेपरेट किया, एक कैविटी है, एक चैम्बर्स है, जिसके अंदर जो है एमिटेड फोटोन्स को इकट्ठा किया जाता है, लाइट को कन्फाइन किया जाता है। इसमें होता क्या है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस कैविटी को इंस्टॉल किया जाता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके रखा जाता है, और इस कैविटी के इर्द गिर्द मिरर लगाए जाते हैं, टॉप मिरर और बॉटम मिरर आप यहाँ पे इस इमेज में, इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये मिरर जो है इस लाइट बीम को कैप्चर करने में, कन्फाइन करने में हेल्प करते हैं। सो मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया, बेसिकली इनका जो इनका प्रिंसिपल एंड वर्किंग सेम है, जस्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। वो अंदर से उनमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, कैसे लेयर्स यूज की गई हैं, कौन सी कैविटीज यूज की गई हैं, दैट इज द मेन थिंग। और ये इनको एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए बनाता है कि किस लेजर डायोड में कितनी स्ट्रांग लाइट किस तरह प्रोड्यूस की जा सके। इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं लेजर डायोड्स के, लाइक क्वांटम कैस्केड लेजर डायोड, इंटर बैंड कैस्केड लेजर डायोड, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टर लेजर डायोड, डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर डायोड, एक्सटर्नल कैविटी डायोड लेजर, वर्टिकल एक्सटर्नल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर डायोड। इसके बाद आइए जानते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लेजर डायोड्स। पहले लेजर का इस्तेमाल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लूरे में भी किया जाता है। बेसिकली इनका स्ट्रक्चर लगभग सेम जैसा ही होता है, इसके अंदर कुछ स्पाइक्स और कुछ पिट्स होते हैं, डेटा सीडी डीवीडी में 0101 की फॉर्म में स्टोर होता है, और जैसे ही लेजर बीम इस सीडी या डीवीडी के ऊपर फेंकी जाती है तो जो स्पाइक्स होते हैं, जो उठे हुए एरियाज होते हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा कैप्चर की जाती है और उसे
वन कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जब लेजर बीम उन पिट्स यानी खड्डों में पड़ती है तो उसे जीरो कंसीडर किया जाता है। इस प्रकार से जो है लेजर सीडी डीवीडी या ब्लूरे के अंदर बाइनरी फॉर्म में डेटा को रीड करता है और हमारे सामने प्रेजेंट करता है। अब हमें पता है कि सीडी और डीवीडी या फिर ब्लूरे डिस्क में पिक्चर्स, मूवीज या साउंड म्यूजिक के फॉर्म में डेटा होता है, तो हमें उसे डिस्प्ले करता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट यूज जो है वो लेजर का, लेजर प्रिंटर्स में लेजर का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लेजर प्रिंटर के अंदर एक फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम लगा होता है। इस ड्रम अंदर से जो है हमारा डॉक्यूमेंट पास करते हैं, इस ड्रम के ऊपर लेजर बीम को फेंका जाता है। लेजर बीम सारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है कि क्या प्रिंट करना है और किस कलर में प्रिंट करना है, किस पैटर्न में, जो नीडफुल डेटा, रिक्वायर्ड डेटा हमें मिल जाता है। इस हमें बारकोड स्कैनर्स में इसका, लेजर का इस्तेमाल होता है। बारकोड स्कैनर्स आपने देखे होंगे स्टोर्स में, मार्केट्स में, सुपरमार्केट्स में, जो बारकोड स्कैनर्स का यूज प्राइजेस को चेक करने के लिए किया जाता है किसी भी आइटम का, तो बेसिकली इसमें भी लेजर का यूज होता है। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लेजर का बहुत यूज है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रेवल किया जाता है, तो लेजर बीम की मदद से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर जो है एक रिफ्लेक्टेड लाइट जो है प्रोड्यूस की जाती है या सेंड की जाती है, जिसकी वजह से आज हमें इतना फास्ट स्पीड और हाई स्पीड डेटा जो है हमें मिल रहा है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा मेडिसिन में ब्लडलेस सर्जरी करने के लिए, लीवर एंड लंग डिसीजेज के लिए, इसके अलावा एंडोस्कोपी में अल्सर्स को डिटेक्ट करने के लिए, इन सभी चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र का इस्तेमाल आईज ऑपरेशन में रेटिना को अटैच और डीअटैच करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ऑटोनोमस कार्स, भविष्य में आने वाली कार्स जो है वो बिना ड्राइवर के यूज़ के चलेंगी, तो ऑटोनोमस कार्स का कुछ एक्सपेरिमेंट्स कुछ कंट्रीज में किया भी जा चुका है। इसमें बेसिकली है क्या, लेजर लाइट का उपयोग करके, लेजर बीम्स का यूज करके जो है, इसके ऊपर जो है एक लाइडार करके एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो 360 डिग्री के एंगल में लगातार लेजर बीम्स को फेंकता रहता है, जो आसपास मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है और उसमें लगे कंप्यूटर को वो बताता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गाड़ी जो है वो आसपास के ऑब्जेक्ट को सेंस कर पाती है और सही डायरेक्शन में मूव करती है बिना ड्राइवर की हेल्प के। इसके अलावा कॉन्टेक्टलेस चीज़ों की मेजरमेंट के लिए, जिन चीज़ों को हम स्पर्श नहीं कर सकते या बिल्कुल इजी, जिनको इजीली जिनको नहीं चेक कर सकते, जैसे ह्यूमन हेयर की विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके अलावा स्पेक्ट्रोमीटर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में कटिंग, ड्रिलिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स, इस सारी चीज़ के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में ही बारकोड स्कैनर्स के रूप में चीज़ों के फिक्स प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्री फिक्स प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो इंडस्ट्री में लेज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग है। लेज़र का उपयोग इनके अलावा डिफेंस एंड स्पेस साइंसेस के लिए भी किया जाता है। बेसिकली जब एनिमी टारगेट को डिटेक्ट करना हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्पेस कम्युनिकेशन जैसे रडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी लेजर लाइट का उपयोग। इसके अलावा लेजर के बहुत सारे उपयोग जो है वो पूरी दुनिया में होते हैं, वेदर रिसर्च के लिए, लूनार लेजर रेंजिंग के लिए, फोटो केमिस्ट्री, लेजर स्कैनर, लेजर कूलिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एलईडी लाइट्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। एलईडी लाइट्स का उपयोग हम घरों में, फेस्टिवल्स में, एलईडी शोज में, एलईडी स्मार्ट बल्ब का यूज़ जो है लगातार करते हैं। वहीं लेज़र लाइट शो के बारे में आपने सुना होगा, आई ऑपरेशंस के लिए लेज़र का यूज़ किया जाता है। वहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड लेज़र डायोड्स। बेसिकली एलईडी और लेजर जो हैं वो दोनों पीएन जंक्शन डायोड हैं, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले डिफरेंस नंबर वन से हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस नंबर वन बिटवीन एलईडी एंड लेजर इज, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक वहीं लेजर लाइट की फुल फॉर्म होती है
लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। नाउ द डिफरेंस नंबर टू बिटवीन एलईडी एंड लेजर इज, एलईडी लाइट को इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है क्योंकि एलईडी लाइट जो है मल्टीपल पाथ्स में ट्रेवल करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक वही लेजर लाइट जो है वो उसका अपोजिट होती है। लेजर लाइट को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी एंड फेज जो है वो सेम होता है, और लेजर लाइट हमेशा सिंगल पाथ में ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट बीम में ट्रेवल करती है। तो सेकेंड डिफरेंस इज बिटवीन दिस। नाउ डिफरेंस नंबर थ्री इन बिटवीन एलईडी एंड लेजर लाइट इज, एलईडी लाइट की बीम विड्थ जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि वो मल्टीपल पाथ्स में ट्रेवल करती है, तो उसकी बीम की चौड़ाई यानी बीम विड्थ जो है वो ज्यादा होती है। ठीक वही उसका अपोजिट अगर देखा जाए, लेजर लाइट की जो बीम विड्थ है वो कम होती है क्योंकि लेजर लाइट जो है वो एक सिंगल पाथ में ट्रेवल करती है, इसलिए उसकी बीम विड्थ भी कम होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस नंबर फोर बिटवीन एलईडी एंड लेजर इज, एलईडी लाइट का उपयोग मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में किया जाता है क्योंकि वो मल्टीपल पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक वही लेजर लाइट का उपयोग जो है वो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में किया जाता है क्योंकि वो सिंगल पाथ में ट्रेवल करता है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस नंबर फोर फाइव, डिफरेंस नंबर फाइव इन एलईडी एंड लेजर इज, एलईडी ट्रांसमिशन डिस्टेंस जो है वो लेस होता है, वो कम दूरी तक ही ट्रेवल कर पाता है। ठीक वहीं अगर लेजर के बारे में देखा जाए तो लेजर का ट्रांसमिशन डिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि वो एक स्ट्रेट बीम और सिंगल पाथ में ट्रेवल करता है, तो ज्यादा दूरी कवर कर पाता है। नाउ द डिफरेंस नंबर सिक्स बिटवीन एलईडी एंड लेजर इज, एलईडी लाइट्स का रिस्पॉन्स जो है वो काफी फास्ट होता है, यानी ऑन होने के एकदम बाद कितना जल्दी वो फ्लैश करते हैं वो काफी फास्ट होता है। ठीक वही अगर लेजर लाइट की बात की जाए तो लेजर लाइट का रिस्पॉन्स जो है एलईडी लाइट से भी ज्यादा फास्ट होता है, दे आर मच फास्टर, आप देख सकते हैं। डिफरेंस नंबर सेवन बिटवीन एलईडी एंड लेजर इज, एलईडी लाइट के जो ड्राइवर सर्किट है जिनके थ्रू इन्हें बनाया जाता है वो जो है बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसकी वजह से इसके कॉस्ट पे भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है, और वहीं लेजर लाइट के जो ड्राइवर सर्किट्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपैरेटिव टू एलईडी लाइट्स, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट पे और फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड लेजर इज, एलईडी लाइट जो है वो चीपर होती हैं क्योंकि उनका जो ड्राइवर सर्किट है वो सिंपल होता है। ठीक वहीं जो लेजर लाइट का ड्राइवर सर्किट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से दे आर एक्सपेंसिव देन एलईडीज। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड लेजर इज, एलईडी लाइट्स को कम इनपुट पावर चाहिए होती है वर्क करने के लिए, ठीक वहीं लेजर लाइट को जो है वो हाई इनपुट पावर की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ड्राइवर सर्किट्स। दोस्तों लास्ट डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड लेजर है उनके सिंबल्स का। एलईडी का सिंबल कुछ इस तरह दिखता है, आप देख सकते हैं कि दो एरो इसमें जो है वो लाइट एमिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक वही लेजर डायोड का भी सिमिलर है, दो एरोज बाहर दिखाए गए लेकिन एक सर्कल और एक मिडल लाइन आप यहां पर देख सकते हैं, ये इनके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिन डायोड। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज पिन डायोड। आपने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में तो पढ़ा है लेकिन इस इमेज से आप देख सकते हैं कि पिन डायोड दिखता कैसा है, तो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा पिन डायोड। यहाँ पे PIN यानी बेसिकली इस डायोड में तीन लेयर्स होती हैं, PIN। ठीक है, आप इसका सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे PN जंक्शन का सिंबल देखा होगा, ये सिंबल जो है बीच में एक सेंटर लाइन क्रॉस करती है, ये इससे PN जंक्शन से इसे डिफरेंशिएट करता है। ठीक वहीं यहाँ पर तीन लेयर्स होती हैं, बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर होती है, जो N और P लेयर है वो हाईली डोप्ड होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक वही इंट्रिंसिक लेयर अनडोप्ड होती है। आइए अब देखते हैं पिन डायोड का यूज क्या है, कहां कहां इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला अगर यूज हम पिन डायोड का देखें तो पिन डायोड को एज अ हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मल्टीपल पिन डायोड्स को जोड़कर एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर बनाना बड़ा ही आसान है। अब रेक्टिफायर्स क्या होते हैं,
रेक्टिफायर्स कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और उसका वाइस वर्सा प्रोसेस करने में जो है बेसिकली वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना इजीली होममेड रेक्टिफायर, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो है बनाया गया है। इसके बाद अगर दूसरा उपयोग पिन डायोड का देखें तो पिन डायोड को एज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्विच के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्विच जो है बेसिकली जितने भी हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन डिवाइसेस होते हैं जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, रडार कम्युनिकेशन के लिए या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं वहां पे पिन डायोड एज अ स्विच इस्तेमाल होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और उसे राउट करने के लिए जो है इस पिन डायोड को एज अ स्विच भी यूज किया जा सकता है। वहीं अगर एक और उपयोग इसका देखें तो पिन डायोड को एज फोटो डिटेक्टर के रूप में भी जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। फोटो डिटेक्टर्स बेसिकली कुछ सेंसर्स होते हैं जिनके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।